राम राम जी, सभी को सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। इस समय जम्मू के अंदर पारा जो है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ रही है, और गर्मी में अगर बात करें तो लोग भी बड़ा कम ही बाहर निकलते हैं, इसलिए आप देखेंगे सड़कें भी ज़्यादा, लोग जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है वो भी कम है। इस समय हम तभी ब्रिज के ऊपर हैं और आप देखेंगे कि इस समय गर्मी का क्या प्रकोप है, टेम्परेचर इस समय कहाँ जा रहा है, और पूरा जम्मू के अंदर इस समय पारा काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है, और इसी मौसम में ज़्यादा लोग जो हैं पहाड़ी इलाकों की तरफ भी जाते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जम्मू के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लान बनाइए, कल वैसे भी सैटरडे है, आप लोग प्लान बना सकते हैं, पत्नीटॉप जाने का भी प्लान बना सकते हैं, आप लोग पंचहरी जाने का भी प्लान बना सकते हैं, बड़ा अच्छा मौसम रहता है पत्नीटॉप पंचहरी का, आप वहाँ भी जा सकते हैं। मैं पंचहरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा अच्छा मौसम है वहाँ पर, अगर आप जाएंगे इस समय भी और इस गर्मी के अंदर आप लोग वहाँ पर जाकर थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं। मैं इस समय तवी ब्रिज के ऊपर हूँ, आप बाय वाली माता के भी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखें कि इस समय गर्मी का प्रकोप क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और इस समय मैं तो लोगों से भी कहूँगा अपने बच्चों को इस समय बाहर ना ही निकालें, और अगर आप लोग भी बाहर निकलते हैं अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करें, और पानी में हो सके तो ग्लूकोस ORS या फिर कुछ नींबू वगैरह डाल लें, जिससे आपको जो है थोड़ा सा इस गर्मी में थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखेंगे तभी में बिल्कुल एक कोने में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे आपको वहाँ पर नहाते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मौसम इस तरह का है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, सभी लोग सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाएँ, थोड़ा सा गर्मी से रिलीफ लें, चाहे कोई रणबीर कनाल ही चला जाए या फिर कहीं पे भी उनको जाने का मौका मिले, जहाँ पर वो जाएं और थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर उनको मिलेगा। आप देखेंगे कोई एक युवा है जो आ रहा है और पूरा मुंह के ऊपर उसने रुमाल भी रखा हुआ है, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म हवाएं, लू चल रही है, जिस वजह से लोग बीमार भी हो सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये युवा भी वहाँ से अपने मुँह के ऊपर पूरा रुमाल रखा हुआ है निकल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी में थोड़ा सा आपको जो है रिलीफ आइसक्रीम भी देती है, इसलिए आप देखेंगे एक भाई साहब भी हमारे यहाँ पर हैं, चोरी से मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। तो भाई साहब, गर्मी काफ़ी हो गई है? काफ़ी हो गया सर। क्या नाम है भैया? राजेश कुमार। राजेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर बिहार का हूँ। बिहार के रहने वाले हो, तो ये आइसक्रीम बेचते हो? जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया, गर्मी में आ रहे हैं लोग आइसक्रीम लेने? अभी तो कम ही आ रहा है सर, दिन में शाम के टाइम आता है, मौसम ठंडा होता है तब, क्योंकि इस समय लोग कम ही निकलते हैं बाहर। जी जी, अभी गर्मी बहुत ज्यादा, कम ही निकलता है बाहर। तो काम शाम ठीक है आपका, गुजारा हो जाता है? जी गुजारा हो जाता है, हो जाता है जी। चलो जी, तो यहाँ परिवार पूरा है कि अकेले रहते हो? सर अकेले रहता हूँ। तो बाकी परिवार सब गाँव में रहता है सर? गाँव में है जी। वोट डालने गए थे अभी? अभी मैं तो नहीं गया हूँ सर, बाकी सब डाला है वोट गाँव में, जो है मम्मी पापा है सब, वो सब डाला है जी। आपने नहीं डाला? मैं नहीं डाला हूँ। किसको डालते हैं वोट? वोट तो हम मोदी जी को ही डाले थे। अच्छा, तो माँ जानी की हमारे ये बिहार के आइसक्रीम वाले भी मोदी जी के फैन है। मोदी जी को वोट डालते हैं जी? क्यों डालते हैं मोदी जी को वोट? ऐसा क्या करते हैं मोदी जी? काम सर अच्छा करता है, उन्हीं को डालते हैं। अच्छा काम करता है जी। ये कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी और उनकी टीम कहती है काम नहीं करता है। काम कैसे नहीं करता है सर, इतना आगे जा रहा है देश, काम कैसे नहीं करता है? वो देखो जी, आइसक्रीम वाले भैया को पता है देश आगे जा रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस को नहीं पता कि देश आगे जा रहा है, लेकिन वो कहते काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता है सर? करता है, करता है, करता है। राम मंदिर बनाया? बनाया। अच्छा किया? अच्छा किया। खुश हो राम मंदिर? जी सर खुश है। जाने की इच्छा है? जाने का इच्छा है सर, जाएंगे जनवरी में जाएंगे, अयोध्या जाएंगे जी। चलो बहुत बढ़िया। तो ये भाई साहब मुझे मिल गए, राजेश कुमार बिहार से हैं जी, मोदी जी के फैन निकले, कहने लगे कि भाई हम मोदी को ही वोट देते हैं और अच्छे काम किए हैं, देश आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। वेरी गुड। क्यों नहीं बढ़ रहा, जरूर बढ़ रहा है। चलो जी, ये है मोदी जी के फैन। आएंगे मोदी जी इस बार भी? इस बार भी आएगा सर। 400 पार करेंगे? पार करेगा सर, पार करेंगे, जरूर करेगा। चलो वेरी गुड जी, कहते हैं जी मोदी जी आएंगे। चलो भाई साहब आप भी बताइए, गर्मी कितनी है? सर गर्मी तो बहुत है सर, आप मुझे अच्छे से जानते हो, पता कैसे? अच्छा। आपके घर पे कभी वेडिंग हुई थी? अच्छा। और आपको पता मैं कौन हूँ?
कौन है? मैं वीडियो एडिटर हूँ जम्मू का, सबसे बेस्ट। अच्छा, और आपके जो फंक्शन हुआ ना वो सर वो मेरे पास ही आया है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लविश है और मैं रैप स्टार हूँ। रैप स्टार है और मेरा यूट्यूब में अच्छे खासे मतलब लाखों में व्यूज आते हैं। सुनाओ फिर, कोई रैप सुना दो जरा, गर्मी काफी है, थोड़ा रैप सुनते हैं। चलो सुनाता हूँ। रात 12 बजे जिंदगी का सोचता हूँ, मैं अब टूट चुका खुद को ही कोसता हूँ। खुदा क्या सुने, खुदा ही तो मेरे साथ नहीं, ऐसा लगे जैसे घर में मैं बोसता हूँ। लोग तो कहते कि मैं खुश रहता दिन भर, अगर सच्चे है तो घर पे पता कर। आईने को देख साला खुद को मैं खोजता था, 21 साल जिया जिंदगी को मरमर। आगे होना क्या जानी आई डोंट नो, फोन लूं या मैं भी आई फोन लूं। सुसाइड करूं लेकिन माँ मेरी मानती नहीं, टी सीरीज लेवल मेरे टैलेंट को पहचानती नहीं। बंदी से प्यार किया बंदी मुझे छोड़ गई, जेब में कैश नहीं था वो भी दिल तोड़ गई। कोई नहीं है साथ मेरे फिर भी मुझे गिला नहीं, दो टाइम खाना उसके अलावा कुछ भी मिला नहीं। दरवाजे बंद कर माँ बोले खोल दे, मैं बोलूं जा माँ मुझे कल्ले सोन दे। शराब पियो पर शराब भी चढ़े नहीं, जहर खाया लेकिन जिंदगी ये मरे नहीं। बहुत अच्छा, लेकिन दो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। एक तो शराब वाली बात उसको काट दो, ठीक है सर। दूसरी सुसाइड वाली बात वो भी काट दो। अब आपने इसमें जिक्र किया कोई लड़की छोड़ गई, सच में ऐसा हुआ क्या? जी सर, सर एक टाइम था मैं किसी से प्यार करता था। ओहो। तो उसके लिए मैंने पूरी दुनिया से मतलब लड़ने की कस्में खा ली थी। तो जिस डेट में वो मेरे को उसने छोड़ा था ना, तो इस गाने की जो हुक लाइन है मैंने वही लिखी है। मैंने लिखा है कि आपने उसके लिए कस्में खाई तो वो छोड़ गई आपको? सर जब पैसे नहीं ना होते हैं, जब टैलेंट होता है लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं होता कि ये कुछ करेगा, तो बस इसीलिए उसने छोड़ दिया आपको। छोड़ दिया उसको, उनको क्योंकि चाहिए होता है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होए या कुछ होए। वो ये साथ जो मतलब वीडियोस में मैंने देखा कि लड़कियां कहती हैं कि हम उसको प्यार करेंगी जो मतलब पैसे मिलके कमाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। असली में क्या होता है कि जब लड़का कुछ नहीं ना करता, चार दिन भी अगर वो उसको खाना नहीं ना रेस्टोरेंट में नहीं ना घुमाएगा, तो पांचवें दिन वो लड़ाई करने लग जाएगी। भाई बड़ा दुखी है भाई। चल कोई नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूं, छोड़ो ये लड़कियों शड़कियों का चक्कर। अपनी लाइफ में ना ये जो तुम रैप कर रहे हो ना, ये अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। वो लड़की पक्का जब आपका यूट्यूब चैनल देखेगी ना पछताएगी पक्का, ठीक है? इसलिए मेरे भाई ये लड़कियों शड़कियों का सिस्टम छोड़ो, तो अपने काम पे ध्यान दो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। दो कहो। मेरा एक YouTube चैनल है ऑफिशियल एलवी के नाम से, ऑफिशियल एलवी। तो मैं उस पे जो रैप करता हूँ वो वायरल तो होते हैं, मतलब अच्छे खासे व्यूज आते हैं, लेकिन मैंने कभी जम्मू में कभी मतलब जम्मू में लोग मुझे नहीं अभी जानते। चल अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बोल फिर। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ऑफिशियल लविश। ऑफिशियल लविश पे इनको फॉलो करो और ऑफिशियल एलवी इनका यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो। भाई लड़की छोड़ जाए या लड़कियों को छोड़ो साइड पे, आप अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? काम होगा तो सब कुछ होगा, ठीक है? शाबाश। इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें सभी, इनका इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, ऑफिशियल लविश। चलो भाई थैंक यू सो मच। गर्मी है बहुत खास है, तभी देखो आज मिले आशीष कोहली सर और वो भी मेरे साथ हैं। एक दिन हम दोनों इतने कामयाब होंगे कि हसीन होगी हर एक रात है, फिर सब लोग बोलेंगे क्या बात है क्या बात है। ये आपने अभी बना दिया? अभी बना दिया। क्या बात है यार, क्या बात है, ग्रेट आदमी। हाथ में माइक है, सर में टोपी नहीं, ये है आशीष कोहली, ये कोई गोपी नहीं। हम किसी को पहनाते कभी फेक टोपी नहीं, हम हाथ में पकड़ा माइक है देते कभी टॉफी नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। चलो शाबाश, और रैप बनाओ। शाबाश, देखो जी रैपर मिल गए रास्ते में। थोड़े से दुखी है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई बेचारे को, लेकिन चलो गर्लफ्रेंड को साइड पे रखो, काम पे ध्यान दो, मैंने तो यही कहा है। बाकी गर्मी आपके सामने है और आप देख सकते हैं गर्मी का प्रकोप कितना बढ़ता हुआ, लेकिन मैं सभी से कहूँगा इस गर्मी में अपने आप को कवर्ड करके निकलें, छोटे बच्चों को बाहर ना निकालें और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें। धन्यवाद, राम राम। और प्लान बनाइए पत्नीटॉप जाने का, पंचैरी जाने का, बटोत जाने का, किश्तवाड़ जाने का, डोडा, भद्रवाह, बड़े खूबसूरत इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं। राम राम जी।